प्रांगण में उपस्थित सुधीजन दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो देखा आप लोगों ने हमारे गढ़ सिवाना के अतीत की शादी, जहां पूरा परिवार मिलजुल कर आपस में काम बांटकर एक दूसरे की मदद करते हैं। बस यही तो घर में रौनक होती है, वो बच्चों का चहचहाना, वो बुआ बहने भाई का कई दिनों पहले आकर हंसी ठिठोलिया करना। लेकिन अब वो सब कहाँ, सिर्फ फॉर्मेलिटी। दो दिन की शादी, अब उन दो दिनों में भी किसी से जान पहचान बनाने का समय कहाँ है। बस हेलो नमस्ते, कैसे हो, अच्छे हैं, और कुछ नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी को अपने 7 पीढ़ी तक के नाम भी याद नहीं। अरे 7 पीढ़ी तो छोड़ो नटी, किसी को अपने 4 पीढ़ी के नाम भी याद नहीं होंगे। बस इन्हीं कुछ व्यथाओं से परेशान हैं हमारे गौतम भाई और मोहन भाई। तो चलिए आइए जानते हैं हम उनकी व्यथा। ये भी हो गया, ये भी निपट गया। अरे भैया, राजमती ने क्या कहा था याद ही नहीं आ रहा। कह रही थी लिख के ले जाओ, और एक काम है कि सुनते ही नहीं। अब ये फिर नाराज होगी। अरे यार, ओ प्रवीण भाई, अरे प्रवीण भाई, ये टेबलेट देना जरा। जी अभी देता हूँ। अरे गोलो, ये टेबलेट निकालना। क्या बात है बाबूजी, बड़े परेशान से दिख रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई, हमारी पत्नी जी ने कुछ जरूरी सामान लाने को कहा था, और अब हम कब वक्त भूल गए, याद ही नहीं आ रहा। अब सोच रहे हैं वो बड़ी नाराज हो जाएंगी। अरे बाबूजी, आप माता जी की कोई फेवरेट चीज ले जाइए, उनका गुस्सा चुटकियों में उतर जाएगा। ये सही बात है। ये लीजिए बाबूजी। हाँ तो कितना हुआ बेटा? सिर्फ 350 रुपए। ये एक दो, ये लो भाई। हाँ धन्यवाद। हाँ ठीक बाबूजी, प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। ओ हो, प्रणाम मोहन भाई, प्रणाम। प्रणाम गौतम भाई, प्रणाम। और क्या हाल चाल है गौतम भाई? सुना है शहर जाकर आपने अपना कारोबार बहुत बड़ा कर लिया है, हैं? अरे बड़े बड़े व्यापारियों की सूची में एक समृद्ध परिवारों में आपका नाम सबसे पहले लिया जाता है। हाँ। अरे क्या कहूँ, जैसा दिखता है वैसा कुछ नहीं है, यह शहर की जिंदगी। आओ यहाँ बैठकर थोड़ी बात कर लेते हैं। अब देखो भाई, अब क्या है कि शहर में नाम और शोहरत के साथ और भी बहुत कुछ मिलता है। मुझे शुगर हो गई, हमेशा 300-400 रहती है। हाँ, और बीपी भी हाई रहने लगा है। अब कुछ भी खाना पीना हाथ में ही नहीं है मेरे, हर वक्त कुछ ना कुछ टेंशन चलता ही रहता है। हाँ अरे नहीं गौतम भाई, क्या बात कर रहे हैं, और भाभी जी तो ठीक है ना? अरे नहीं मोहन भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ तेरी भाभी को कोलेस्ट्रॉल और थायराइड ने घेर लिया, उठने में तो इतना दर्द है कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। हाँ ओहो गौतम भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ, सोचा न था कि शहर में रहकर भी इतनी परेशानी होगी। अरे बस वही बात है मोहन भाई, और शहरों के फ्लैटों में चार दीवारी में जीवन कैसा हो गया, ऐसी में जीवन गुजर रहा है। शुद्ध हवा तो मानो नसीब ही नहीं है। हाँ अरे ये किसी ने सच ही कहा है, शहर की सो दवा और मारवार की मस्त हवा। सोलह आने सच बात कही है गौतम भैया आपने। हा? देखो हम दोनों को यहाँ पर नख में भी रोग नहीं था, और शहर में अरे धीरे धीरे सारा शरीर खत्म हो रहा है। शहर के खान पान की तो बात क्या करूं, ये शुद्धता तो है ही नहीं, बस सब में मिलावट। शहर में सब फास्ट हो गया है,
फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, बकवास। और आपके तो दो बच्चे हैं ना गौतम भाई? हाँ है, पर दोनों अलग अलग रहते हैं। शहर की भाग दौड़ और कामों में इतने व्यस्त हैं कि समय पर खाने पीने और जरूरी काम करने का ध्यान ही नहीं रहता। हमको कौन पूछे। हाँ। अच्छा, और पोता पोती? अरे पोता पोती क्या, सब अपनी पढ़ाई और वो मोबाइल में व्यस्त हैं। देर रात तक बाहर रहना और नहीं हो तो मोबाइल पर बैठे रहना, देर रात तक पार्टी और वो सवेरे देरी से उठना। अरे भाई ये थोड़ी ना हमारे संस्कार है। हाँ ये बात तो सही है गौतम भाई। देखो हम जिन शासन के अनुयायी हैं, हमें थोड़े ना ये सब शोभा देता है। ये हाल है कि सारा परिवार मिलकर 10 मिनट भी बात करने की फुर्सत नहीं है। ये उम्र में दो बात करने वाला चाहिए। अकेलेपन से जिंदगी वीरान सी होने लगी है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप गौतम भाई। शहर की जिंदगी बस अब एक काल्पनिक दुनिया है, जहाँ एक वास्तविकता को छोड़ उस काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं और जब लौटते हैं तब सब खत्म हो जाता है। हाँ बस वही बात है। सिवाना में हम माँ बापूजी और 6 भाई, 5 बहने, भाभियां, सब एक ही छत के नीचे रहते थे। हाँ पैसे और सुविधा कम थी लेकिन मोहन भाई सुकून बहुत था। बिल्कुल सही कह रहे हो गौतम भाई। अरे आज संयुक्त कुटुंब टूटने के अनगिनत नुकसान हुए हैं। अरे विश्व की सबसे प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी एकल परिवार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अरे हमारी संस्कृति में हमेशा ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना को महत्व दिया गया है और आज हमारा मारवाड़ी समाज अपनी पुरानी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाकर पश्चिमी संस्कृति की ओर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और यही कारण है कि आज दुनिया के सबसे महानतम संस्कृति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। हाँ अरे मोहन भाई, पहले संयुक्त कुटुंबों में बुजुर्गों के अनुभव से कई विषयों पर निर्णय लेने में आसानी हो जाती थी। कठिन से कठिन समस्याओं के उचित समाधान हो जाते थे। मोहन भाई संस्कारों की कमी के कारण ये संयुक्त परिवार टूटने पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। अरे आज की जनरेशन ने आधुनिकता को ही अपना संस्कार मान लिया है। ओ गौतम भाई, समय के साथ परिवर्तन का नाम लेकर संस्कारों का खात्मा कर दिया है। अरे मोहन भाई, पहले सिवाना में हम सब मिलकर किसी भी उत्सव और त्योहार का आनंद लेते थे। अपने परिवार के सभी सदस्य एकजुट होते थे तो त्योहार में जैसे 4 चांद लग जाते थे। है कि नहीं बोलो? अरे हाँ हाँ गौतम भाई। अरे अभी के त्योहार मात्र एक सामान्य दिन के जैसा लगता है। अरे लोगों में कोई उत्साह और उमंग नहीं रहती। चकाचौंध भरी जिंदगी में भी सुख शांति भला कहाँ। अरे सिर्फ भीड़ दिखाई देती है। कहने को तो लोग दूसरों के साथ घुल मिल कर अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन वास्तव में ऐसे लोग अंदर से बिल्कुल अकेले खोखले होते जा रहे हैं। गौतम भाई अगर गलत कह रहा हूँ तो बताइए। बस सही है मोहन भाई, इसका उदाहरण मैं और मेरा परिवार ही है। हा? एकल परिवार का व्यक्ति न घर का होता है और न घाट का। हाँ लेकिन जिस प्रकार माता पिता ने संयुक्त परिवार से अलग होकर एक नया परिवार नया जीवन बसाया, उसी से सीख लेकर उनके बच्चे भी उन्हें अकेला छोड़कर एक नई दुनिया बसा लेते हैं। हाँ एकदम सटीक कहा आपने। अरे जब पहले संयुक्त परिवार में कोई विपत्ति आती थी तो परिवार के सभी लोग एकजुट हो जाते थे
अरे सामाजिक सुरक्षा रहती थी, लेकिन अब अकेले परिवार में किसी का भी सहारा नहीं मिलता है। अरे आज की जीवन शैली से बुजुर्गों की हालत गंभीर हो गई है। अरे पहले तो शादी यानी जिंदगी भर का बंधन था, अरे आज तो शादी गुड्डा गुड्डी का खेल है, एक फॉर्मेलिटी ही रह गई है। और शहर एवं रिसोर्ट की शादियों में कोई मजा नहीं भला। अरे पैसे एवं संस्कारों की बर्बादी के अलावा क्या है? अरे आजकल गांव में शादी करने पर स्टैंडर्ड लेवल कम हो जाता है। अरे सुविधाओं एवं सबसे अलग दिखावे की आड़ में हम कहां तक पहुंचेंगे बताओ? अरे जहां शिवाना में हमने अभक्ष की लाजी तक नहीं देखी थी, वहां आज शाकाहार मांसाहार मिक्स होटलों में शादियां शुरू हो गई है। अरे कहां पर रुकेगा ये सिलसिला पता नहीं। अंकल, रामलाल जी नरसिंह जी ललवानी का घर कहां पर है? अच्छा रामलाल जी, तेरे क्या लगते हैं? मेरे दादाजी है। क्या तू शिवाना पहली बार आया है? अरे आया नहीं कभी। शिवाना में आके क्या करें, ना कोई दोस्त है ना ही कोई सुविधा, मुझे तो यहाँ ना बोर लगता है। आई डोंट लाइक। देखा गौतम भाई, अरे हमारा तो इधर जन्म हुआ है और यहीं पड़े हैं, लेकिन ये आज की नई पीढ़ियों ने न ही यहाँ जन्म लिया है और न ही यहाँ पढ़े हैं। अरे ये तो कभी कभी सिर्फ शादियों में आते जाते रहते हैं, अब तो शादियां भी कम होने लगी है, इसलिए हमारे घरों को खंडर में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। हाँ पता है यहाँ व्यापार के अवसर कम हैं, लेकिन हमारी पहचान, हमारे संस्कार, हमारी अस्मिता, हमारी मातृभूमि शिवाना से ही है। सुनो बेटा, यहाँ से सीधे जाना, आगे तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे, तुम बाएं ओर चले जाना, वहां तुम किसी से भी पूछ लेना, और पास में ही घर है उनका। ठीक है अंकल, थैंक यू। अरे सुना है ऑल इंडिया एनजीओ की ये पहल है, अरे युवा को मातृभूमि से जोड़ना, कम से कम साल में 3 दिन युवा पीढ़ी को अपने मातृभूमि लाना है, संस्कृति एवं संस्कारों से रूबरू करवाना है। हाँ सही सुना मोहन भाई, सकारात्मक कोशिश की जा रही है हमारी भावी पीढ़ी के लिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी पहचान ही भूल जाए। हाँ तो नटी, इन्होंने जो कहा वो सही कहा। आओ मिलकर इस कोशिश को अंजाम दें, हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। एसजीओ की इस पहल का मन धन के साथ साथ दें, क्योंकि मेरी मातृभूमि मेरी पहचान है। मेरी मातृभूमि मेरी पहचान है।